दाल और चावल को हमने अच्छे से पीस लिया है और इसको बढ़िया इसका हम पेस्ट तैयार करेंगे। कुमकुम को खूब बढ़िया से मिक्स करना है। कलछी की मदद के द्वारा अच्छे से हम इसको खूब लगभग 3 से 4 मिनट तक लगभग घुमाएंगे, जिससे इसका पेस्ट एकदम बढ़िया से बन जाए। और हमारा पेस्ट लगभग तैयार हो गया। इतना ही हमको गाढ़ा रखना है, बहुत ज़्यादा पतला ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा रखना है, मीडियम में हमको इसका पेस्ट तैयार करना है। और हमारा पेस्ट बन के एकदम रेडी हो गया है। स्वाद अनुसार हल्का सा इसमें हम नमक को ऐड करेंगे, सीधा नमक है, सीधा नमक ही हम यूज करते हैं। और थोड़ी सी इसमें हम दही ऐड करके अच्छे से मिक्स कर देंगे। दही डालने से इडली हमारी थोड़ा जल्दी इसका ड्यू तैयार हो जाएगा और थोड़ा जल्दी इसका खमीर उठ जाएगा, इसलिए हम इसमें दही ऐड किए हैं। बहुत लोग इनो भी ऐड कर देते हैं, आप लोग इनो को भी ऐड कर सकते हैं और सोडा भी डाल सकते हैं। अच्छे से हमारा बैटर तैयार हो गया है और इसको हम 3 से 4 घंटे के लिए ढक के धूप में रख दिए थे और धूप से आ गए हैं, लेके हमारा खमीर बढ़िया से उठ गया है। और हम इडली के सांचे में तेल को लगा रहे हैं और इसमें हम इडली का बैटर डाल रहे हैं। सांचे में हमने इडली को भर दिया है और इसको अब हम ढक के 3 से 4 मिनट के लिए गैस के फ्लेम पे रखें। 3 से 4 मिनट हो गए हैं, इडली हमारी बनके रेडी हो गई है और गैस के फ्लेम को हम बंद कर देंगे। और इस चाकू की सहायता से इडली को हम निकाल लेंगे। इडली हमारी बहुत ही बढ़िया बनके रेडी हुई है। ऐसे ही सारी इडली को हम सांचे से निकाल लेंगे। इसके साथ हम 2 प्रकार की चटनी की भी रेसिपी शेयर करेंगे। इडली हमारी बन गई है, अब हम चटनी की रेसिपी आपको शेयर करेंगे। इधर हमने मूंगफली को भिगो दिया था और एक नारियल है, इसकी भी चटनी बनाएंगे। पहले हम नारियल की चटनी बना के आपको दिखाते हैं। इस नारियल को हम मिक्सी में डाल दिए हैं, इसमें थोड़ा सा धनिया की पत्ती को ऐड करेंगे और 2-3 कली लहसुन का और 2 मिर्ची और थोड़ा सा इसमें हम पानी को ऐड करके और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। स्वाद अनुसार नमक डाल के हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और मिक्सर में ग्राइंडर में पीस लेंगे। हमने नारियल को पीस लिया है, इसका पेस्ट तैयार हो गया है। अब हम मूंगफली को भी ऐसे ही पेस्ट बना लेंगे। मूंगफली को हमने 2-3 घंटे के लिए भिगो दिया था, मूंगफली हमारी भी फूल गई है बढ़िया से। इसमें भी हम धनिया की पत्ती को ऐड करेंगे और 3-4 कली लहसुन का और 3 हरी मिर्च ऐड करेंगे और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। और इसको भी हम ग्राइंड कर लेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, 1 चम्मच के करीब 2 चम्मच हमको पानी ऐड करना है। इसका भी हमने पेस्ट तैयार कर लिया है। आइए हम चटनी को बनाते हैं। थोड़ा सा ही हमको सरसों का तेल ऐड करना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना, बस आधा स्पून के करीब ही हमको तेल ऐड करना है। और इसमें हम राई का दाना डाल दे रहे हैं। कड़ी पत्ता भी पड़ता है, हमारे पास नहीं है तो हम नहीं ऐड डाल पा रहे हैं, और आप इसमें कड़ी पत्ता भी ऐड कर सकते हैं। नारियल को हम इसी तेल और राई में डाल के मिक्स कर लेंगे। नारियल हमारा गाढ़ा हो गया है, इसका पेस्ट तैयार हो गया है। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और थोड़ा सा नींबू का रस ऐड कर देंगे, जिससे कि थोड़ा खट्टापन आ जाए हमारी चटनी में।
और गैस की फ्लेम को हमने बंद कर दिया है। हमारी नारियल की चटनी बनके रेडी हो गई है और इधर दूसरे कढ़ाई में हम मूंगफली की चटनी को बना रहे हैं। ऐसे सेम प्रोसीजर हमको इसमें भी करना है, राई ऐड करना है और तेल, उसके बाद मूंगफली का पेस्ट हम इसमें ऐड कर देंगे। मूंगफली का पेस्ट हमने ऐड कर दिया है और अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा है, मूंगफली का पेस्ट बहुत ही गाढ़ा है। थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको हम नॉर्मल करेंगे। वही मूंगफली जो लगी थी उसी को धुल के हमने डाल दिया है और अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसमें भी हम थोड़ा सा नींबू का रस मिला देंगे। चटनी हमारी पकने लगी है, अब इसको हम इसमें थोड़ा सा नींबू का रस डाल देंगे और गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे। हमारी मूंगफली की चटनी बनके रेडी हो गई है। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो मेरे चैनल को थोड़ा लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट और सपोर्ट करिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्दी आप लोगों से। और हमारे चैनल को देखिएगा और आप लोग भी ट्राई करके बनाइएगा कि हमारी इडली की और दोनों प्रकार की चटनी कैसे बनी है। हमारी मूंगफली की भी चटनी बन गई है और हम गैस के फ्लेम को बंद कर दे रहे हैं। बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।